सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरजोत कौर ते तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम खबर पड़ताल। साडे नाल जुड़े हुए ने सीनियर पत्रकार सुरेंद्र डल्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है डल्ला जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरजोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा वी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो डल्ला जी, अज केड़ियां तीन वड्डियां खबरां ने जिहड़ियां तुसी चुन के लैके आए हो, पूरी जानकारी इकट्ठी करके लियाए हो। मैं जरूर चाहांगी इन्हां तिन्ने खास वड्डियां खबरां दा जो अनालिसिस तुसी कीता है, इसकी पूरी जानकारी तुसी दर्शकां नाल जरूर सांझी करो। एक एक करके सारियां खबरां शामिल करो। हरजोत जी, तीन चार वड्डियां वड्डियां खबरां ने, एक एक करके मैं इन्हां सारियां खबरां दा एनालिसिस करूँगा। और गुरमीत राम रहीम जिहड़ा कि डेरा सिरसा दा मुखी है, उहदी पेरोल एक बारी फिर आ सकती है क्योंकि सालाना समागम है जिहड़ा डेरे दा, वह अगले एक दो दिनों दे विच होण वाला है। सो अगले एक दो दिनों दे विच ही गुरमीत राम रहीम नूं एक बार फिर तो पेरोल मिल सकती है। जनवरी च इस साल वह पेरोल दे उत्ते आए सी। हुण दो वड्डियां खबरां ने जिन्हां दे उत्ते मैं आऊँगा। एक तां प्रकाश सिंह बादल होना दी दुनिया तो विदाई है, और दूसरा प्रकाश सिंह बादल दी दुनिया तो विदाई दे नाल जिहड़े समीकरण पोलिटिकल बन रहे ने, बदल रहे ने, कि अकाली बीजेपी का गठजोड़ नवें सिरे तो होएगा, यह सवाल बड़ा चर्चा च है। जलंधर जिमनी चोण ते प्रकाश सिंह बादल दी विदाई का की असर होएगा, हमदर्दी दे रूप दे विच की अकाली दल नूं फायदा मिलेगा, ये तमाम पहलू है। पहला मैं ये जरूर दसदा कि प्रकाश सिंह बादल जिस तरह दुनिया तो विदा होए ने, 95 साल की उन्हां दी उम्र सी, और आखिर दे कुछ दिन उन्होंने संघर्ष किया जिंदगी नाल, ICU च रहा ते दुनिया तो चले गए। पर प्रकाश सिंह बादल दी इस दुनिया तो विदाई ने सियासत दे विच भी ये एक नवा सुनेहा खड़ा कर दिता, एक नवा नरेटिव खड़ा कर दिता कि प्रकाश सिंह बादल ने, भावें उन्हां दे कई फैसले ने जिहड़े प्रकाश सिंह बादल दे उन्हां ते सवाल होण, विवादित होण, पर जिस तरह की प्रकाश सिंह बादल ने अपनी शैली बनाई जिंदगी दी, जिस तरह नाल प्रकाश सिंह बादल ने देश विदेश दे वड्डे लीडरां नाल निजता बनाई, विचारां दी सांझ बनाई, और मिठे बोल बोलण वाले प्रकाश सिंह बादल नीवें रह के गल करन वाले सधारण शब्दां दे विच, किया जावे तां उन्हां दी भाषा च कोई कड़त्तन कोई तलखी नहीं सी, इन्हें प्रकाश सिंह बादल दा कद वड्डा कीता। और प्रकाश सिंह बादल दी विदाई तो बाद प्रधानमंत्री दा आउणा, कल उन्हां दे अंतिम संस्कार मौके JP नड्डा हो गए, फारूक अब्दुल्ला हो गए, शरद पवार हो गए, भाजपा दे और देश दे वक्ख वक्ख वड्डे लीडरां दा तुरंत अंतिम संस्कार मौके पहुँचना। हालांकि देश दे दूजे हिस्से तो जे किसी ने आना है या तो वह जहाज राही आ सकते हैं या उन्हां नूं बहुत समा लगता है। सो वड्डे वड्डे लीडर आप पहुँचे, इहदे नाल प्रकाश सिंह बादल दी जिहड़ी एक सियासी लियाकत सी, सियासी उन्हां दी सांझ सी, वह उजागर हुई है। इन्हें सियासी कद जिहड़ा प्रकाश सिंह बादल दा सी उहनूं होर वड्डा कीता। और दो दिन लगातार जिस तरह नाल टैलीविजनां दे विच लगातार सिर्फ तो सिर्फ प्रकाश सिंह बादल होना दी गल हुई, उहदे नाल जिहड़ा एक नैगेटिव नरेटिव बनाया गया सी, क्योंकि साडे मुल्क च सियासी धारणा बहुत मायने रखती है। लगातार पिछले कुछ वक्त तो ये धारणा बनाई गई सी कि अकाली दल दे राज च नशे ज़्यादा फैले पैदा होए, अकाली दल ने पंजाब दा कुछ नहीं संवारिया, बेअदबी वर्गे मामले सी, प्रकाश सिंह बादल नजिठ नहीं सके। ठीक है, वह नजिठ नहीं सके, लेकिन वह धारणा यह बनाती भी अकाली दल इहदे लई जिम्मेदार सी। सो कई नापक्षी नरेटिव जिहड़े अकाली दल लई बने सी, वो इस दो दिन दे विच प्रकाश सिंह बादल दियां जिंदगी दियां जिहड़ियां प्राप्तियां सी वह जदों टैलीविजन ते हावी होईयां, देश दुनिया दे लोकां ने सोशल मीडिया ते टैलीविजनां ते सिर्फ प्रकाश सिंह बादल बारे सुनिया, प्रकाश सिंह बादल दी शख्सियत बारे सुनिया, दुनिया च एक बार फिर लोगों को यह पता लग्या कि मुफ्त बिजली किसानों नूं सब तो पहला प्रकाश सिंह बादल ने दित्ती सी। सो जीरो बिल किसानी दे प्रकाश सिंह बादल ला गए सी, आटा दाल योजना प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब च सब तो पहला शुरू की, भाई कन्हैया जी सेहत बीमा कार्ड शुरू किए, शगन स्कीम शुरू की, और बहुत सारिया इस तरह दियां जिहड़ियां योजनावां सी जिहदे लई प्रकाश सिंह बादल नूं सेहरा जांदा सी। और हुण ये अज के समय के धारणा के उल्ट गल्लां कीतियां जा रही सी, पर दो दिनों के प्रकाश सिंह बादल की विदाई तो बाद उन्होंने चंगे काम ने जोड़े एक बार फिर दुनिया के सामने आए हैं। वो नरेंद्र मोदी का आना, BJP का आना, और मैं अखबारों एक क्यास शुरू हो गए अखबारों हरजोत जी भी कि भाजपा तो अकाली दल का दोबारा गठजोड़ होएगा, ये मैं एक दो दिन संभावनावान गल करा। हाल की कड़ी मैं ये संभावना तो नहीं लगती कि BJP ते अकाली दल का गठजोड़ होएगा, पर सियासत दे विच कुछ भी गल पक्के तौर पर नहीं हुंदी,
हो भी सकता है कि आने दिनों के इस तरह के हालात बनन पंजाब और देश कि भाजपा और अकाली दल फिर इकट्ठे हो जाए। हाल की घड़ी जी संभावना नहीं है, पर इस गल नूं नकारिया भी नहीं जा सकता। पर जिहड़ा नरेटिव चंगे कामां दा प्रकाश सिंह बादल दे बणिया, दुनिया के वड्डे वड्डे लीडरां ने उन्हां नूं सजदा किया, कल उन्हां दे अंतिम संस्कार मौके मैं कहना पंजाब जिहड़ा उत्थे इकट्ठा हो गया बादल पिंड दे विच और खेतां च जिथे संस्कार किया गया, आखिरी रस्मां कीतियां गईयां प्रकाश सिंह बादल दीयां, उत्थे पैर रखण नूं थां नहीं सी किसे व्यक्ति दे, इन्नी उत्थे ज़्यादा भीड़ सी। इह सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां ये उस धारणा दे उपर दुबारा आईयां ने, जिहड़ी धारणा अकाली दल दे इक नापक्खी इल्ज़ामां दी धारणा चल रही सी। और कल दो दिनों तो जदों दे प्रकाश सिंह बादल गए ने दो तीन दिनों तो कोई भी पोलीटिकल लीडर खुल के अकाली दल दे राज दीयां कमियां दी व्याख्या नहीं कर रहा। कोई भी वड्डे लीडर होण, प्रकाश सिंह बादल दी लियाकत, उन्हां दी समझदारी, उन्हां दी सियाणप, उन्हां दा पंजाब दे मुद्दियां ते पकड़, पंजाब दे लई उन्हां दे संघर्ष, किसानी दे लई उन्हां दीयां जिहड़े उन्हां दे यतन सी, इन्हां सारे पहलुआं दी गल हो रही है। इहदे नाल दो तीन चीज़ां का फर्क मैं महसूस करदा। देखो चौधरी संतोख सिंह हुनी जलंधर दे MP दुनिया तो गए सी, लोग कहिंदे हमदर्दी दी वोट मिलेगी। हुण प्रकाश सिंह बादल भी दुनिया तो चले गए जिहड़े अकाली दल दे प्रधान सी, फिर हमदर्दी अकाली दल दे नाल भी हो सकती है। और मैं कल भी जिक्र किया कि प्रकाश सिंह बादल की विदाई तो बाद हुण जलंधर दे विच जिहड़ियां दूजियां पोलीटिकल पार्टियां ने हरजोत जी, उन्हां नूं अपनी रणनीति बदलनी पैनी है। हुण भगवंत मान खुल के प्रकाश सिंह बादल का उस तरह नाल विरोध नहीं कर सकणगे जिवें पहलां करदे सी, क्योंकि हुण लोकां नूं याद आ गया कि शगन स्कीम प्रकाश सिंह बादल ने, आटा दाल स्कीम प्रकाश सिंह बादल ने, और हुण मुद्दा की है कि कार्ड कट्टे जा रहे हैं। सो ये बहुत सारे मसले ने। और जदों नशियां दी गल हुंदी है, नशे अकाली दल दे राज च वी सी, कांग्रेस दे राज च वी सी, आम आदमी पार्टी दे राज च वी है। आम आदमी पार्टी भी गैर कानूनी नशे खत्म नहीं कर सकी, क्योंकि नशे दा मुद्दा राजनीति करन दा नहीं है। साडियां सारियां पोलीटिकल पार्टियां ने इस मुद्दे ते राजनीति कीती है। इहदा हल सर्वदली बैठक करके, पंजाब दे नौजवानां नूं रुजगार दे के, सैल्फ इंपलॉयड करके, उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा के यदा हल किया जा सकता सी, या पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत इच्छा शक्ति रख के ताकि सरहद पार तो भी सानू नशे की जिहड़ी है समगलिंग है वह ना हो। सारे मुद्दे से जिन्हां दे नाल इन्हां धारणावां तो जिहड़ियां अकाली दल के खिलाफ ज़्यादा मजबूती दे नाल बनाईयां दूजियां पार्टियां ने, उन्हां तो बच सकते सी। या हुण दूजियां पार्टियां के खिलाफ भी ये धारणा बन रही है, कांग्रेस के खिलाफ बनी कैप्टन अमरिंदर दे कि ये नशे नूं कंट्रोल नहीं कर सकिया, हुण भगवंत मान के खिलाफ भी ये धारणा बन सकी है कि भगवंत मान भी नशियां नूं कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हुण गल आ गई कि जी ये दुनियावी मुद्दा है जी, ये सरहद पार सानूं मिल जुल के लड़ना पऊगा, पाकिस्तान तो नशे की समगलिंग हुंदी है। सो हुण इल्ज़ाम कला अकाली दल ते जे कोई लाऊगा उहदा नुकसान हो सकता है। इस तरह बहुत सारे मुद्दे से, बेअदबी के मामले से, हुण बेअदबियां हुण भी हो रही ने जदों भगवंत मान की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर दे राज भी बेअदबियां दे मामले होए, जदों अकाली दल दे राज बेअदबियां दे मामले वड्डे बनाए उहदे पिछे सियासत दा भी जोर सी। उदों दीआं विरोधी धिरां इह कहिंदियां रहियां कि अकाली दल ने जाणबुझ के इस पासे जिहड़ी अपनी भूमिका अदा कीती है, जदकि कोई भी मुख्यमंत्री जाणबुझ के इस तरीके की मंजूरी नहीं दे सकता किसी नूं भी। ये बड़े बेबुनियादी जे इल्ज़ाम सी। हुण नरेटिव बदलिया, प्रकाश सिंह बादल दे दुनिया तो जाण नाल जिहड़े चंगे काम सी अकाली दल दे, ओह इक वारी फिर सत्ता दे उपर आए है। और जलंधर च मैं कई लोगों नाल गल कीती है, हुण सीधे सीधे रूप च अकाली दल दे प्रति कूड़ प्रचार करके, कू प्रचार करके कोई भी धिर सुरक्षित नहीं है। हुण आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति बदलू, हुण कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बदलू, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बदलू, और हुण अकाली दल नूं छड के एक दूसरे ते ये धिरां ने ज़्यादा निशाना लाउणगियां, क्योंकि ये सारियां धिरां की कोशिश होगी कि हुण असीं कोई वह मुद्दा ना छेड़िए जिहदे नाल लोकां दे मनां च प्रकाश सिंह बादल की याद ताज़ा होवे, क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि अगर आटा दाल कार्ड कट्टे गए तो फिर बनाए किने सी प्रकाश सिंह बादल ने, अगर बिजली मुफ्त की सियासत होएगी तो लोगों को याद आऊगा कि सारी किसानी नूं बिजली किसने माफ़ की सी, अकाली दल ने। हुण बिक्रम अजीठिया होण या सुखबीर बादल होण, मैनू नहीं लगता कि जदों तक प्रकाश सिंह बादल उन्हां दा जिहड़ा है उन्हां दे पाठ दा भोग पैंदा है तद तक वह प्रचार करन जाणगे, पर दूजी लीडरशिप है जिहड़ी अकाली दल दी वह प्रचार करदी रहेगी, स्थानक लीडरशिप अकाली बसपा। सो मैनू लगता उन्हां वल्लों ये हुण प्रचारिया जाऊगा जलंधर दे विच कि सारी किसानी की बिजली माफ़ करन वाले प्रकाश सिंह बादल सी, आटा दाल स्कीम देण वाले प्रकाश सिंह बादल सी,
और सारे भाईचारियां दे विच आपसी एकता नूं मजबूत करन दा सुनेहा ते यतन करन वाले प्रकाश सिंह बादल सी। सो इस करके बादल सैक्टर जलंधर दी जिमनी चोण च हुण हावी होगा। भावें आम आदमी पार्टी इस पक्ष दे विच अग्गे वधेगी कि असी भी देखो 300 यूनिट बिजली दे मुफ्त करते, असी जीरो बिल करते, असी महला क्लीनिक बनाते, असी स्कूली सिक्ख्या तकड़ी करती। आदर्श स्कूलों की भी गल नाल दी नाल आ जानी है कि प्रकाश सिंह बादल ने देखो किड्डे आदर्श स्कूल बनाए सी। सो इस करके हुण आम आदमी पार्टी नूं अकाली दल छड्ड के कांग्रेस और बीजेपी दे नाल इल्ज़ामबाजियां दी सियासत है जिहड़ी उह करनी पएगी। और इस तरह बीजेपी दे जिहड़े लीडर ने उह खुल के हुण अकाली दल नूं नहीं निध सकणगे, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद सत्कार देण प्रकाश सिंह बादल दे अंतिम संस्कार तो पहला उन्हां दे अकाली दल दे दफ्तर च आप गए ने उन्हां नूं श्रद्धांजलि देने एक तरीके नाल। सो भाजपा दे लीडर भी हुण सीधा सीधा निशाना आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस दीयां जिहड़ियां कारगुजारियां ने उस पासे रखणगे, और कांग्रेस की भी पूरी कोशिश होनी है कि साडा निशाना आम आदमी पार्टी ते रहे और साडा निशाना जिहड़ा वो भारतीय जनता पार्टी ते रहे। अकाली दल वल टिप्पणियां और कूड़ प्रचार करन तो हुण सारियां पार्टियां ने जिहड़ियां मैनू लगता वह गुरेज़ करनगियां बदले हालातां। और हरजोत जी, बदलते हालातों च सब तो वड्डी चुनौती एक बार फिर आम आदमी पार्टी लई बनन वाली है, क्योंकि संगरूर दे विच आम आदमी पार्टी चोण हारी सी, उदों भी जिमनी चोण सी क्योंकि भगवंत मान उन्होंने इस्तीफा दिता सी, और हुण संतोख चौधरी क्योंकि दुनिया तो चले गए ने, इस करके साफ तौर पर भगवंत मान के उपर इस वक्त फिर दबा है। ये दूसरा मौका है जदों भगवंत मान जिमनी चोण लड़ रहे ने कि आम आदमी पार्टी जलंधर की सीट बरकरार रख सकेगी, सब तो वड्डा दबा है। ये नाल आम आदमी पार्टी नूं कौमी पद्धर ते एक सुनेहा इस चोण का जाऊगा। अगर आम आदमी पार्टी जीती तो आम आदमी पार्टी 2024 च प्रधानमंत्री के तौर के उत्ते अरविंद केजरीवाल नूं प्रोजैक्ट करन दी दिशा दे विच अगे वधेगी कि असी भारत नूं नंबर एक बनाउणा है। और अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है तो फिर भगवंत मान की कार्यशैली दे विच कितें ना कितें आम आदमी पार्टी के अंदर गल जरूर उठेगी। वह गल वक्री है कि आम आदमी पार्टी कोई भी भगवंत मान नूं चुनौती देण जिहड़ा लीडर हजे नज़र नहीं आता। हो सकता अंदर खाते कोई अजिही धारणा होवे कि भगवंत मान अगर दूसरी बार लगातार हारते हैं तो उन्होंने खिलाफ़ कोई अंदर खाते जरूर कोई गल उठ सकती है कि भगवंत मान क्यों नहीं जिमनी चोणां जित सके। पर भगवंत मान पूरा जोर इस वक्त लाउणगे, हर सियासी दा खेडणगे। और यह भी चर्चावां ने कि आम आदमी पार्टी हुण जलंधर नूं लैके अपनी रणनीति बदल रही है, क्योंकि हुण तक आम आदमी पार्टी कांग्रेस और अकाली दल ते ज़्यादा निशाने विन रही सी कि यह दोवें मिले हुए सी, इन्हां ने दोवां ने सूबे का कुछ नहीं संवारिया। सो हुण आम आदमी पार्टी मैनू लगता रणनीति बदलेगी। देखने वाली गल ये रहेगी कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल नूं चोण मैदान च उतारेगी। हले तक अरविंद केजरीवाल दो तीन वार खुल के जलंधर दे विच पिछले दिनों दे विच गेड़ा ला के गए ने चोणों तो पहला या चोणों तो बाद, पर की लगातार दो चार दिन का प्रोग्राम भगवंत मान का जलंधर दे विच आम आदमी पार्टी लैके आएगी कि राघव चड्ढा नूं आम आदमी पार्टी पंजाब च लैके आएगी। असी ये वेख रहे हैं कि पिछले कुछ समय तो जदों तो गुजरात चोणों दे विच राघव चड्ढा सरगर्म होए, उस तो बाद राघव चड्ढा हुनी सीधे तौर पर पंजाब दे विच उन्हां दा दखल नज़र नहीं आता। हालांकि पार्टी के वड्डे लीडर होने करके जरूर आम आदमी पार्टी उन्हां दा दखल है, पंजाब की सरकार च भी उन्हां दा दखल है, पर खुला सीधा दखल जिहड़ा नज़र आता होवे। हुण की वह प्रचार करन दे लई जलंधर आउणगे, क्योंकि कल उन्होंने दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी के हक च एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इस तरीके के इल्ज़ाम आए बीजेपी वालों कि अरविंद केजरीवाल जिहड़े कि आम आदमी सी उन्होंने अपने घर की सजावट ते रेनोवेशन ते निर्माण ते करोड़ों रुपए खर्चते। फिर कल राघव चड्ढा ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्ज़ाम प्रधानमंत्री ते लाया कि प्रधानमंत्री भी एक महल बना रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जहाज़ ते करोड़ों रुपए खर्चे गए, उन्हां दीयां विदेश यात्रावां ते करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं। सो हुण राघव चड्ढा कितें ना कितें अरविंद केजरीवाल नूं हर मोर्चे दे विच सानूं डिफेंस करदे देखते हैं, पर की राघव चड्ढा जलंधर जिमनी चोण च सरगर्म होणगे, कि अरविंद केजरीवाल जलंधर जिमनी चोण च आउणगे, या प्रकाश सिंह बादल दी दुनिया च विदाई तो बाद दूजियां पोलीटिकल पार्टियां दे वड्डे लीडर इस जलंधर जिमनी चोण तो दूरी बनाउणगे। ये सवाल बहुत वड्डा है कि हुण भारतीय जनता पार्टी दी वड्डी लीडरशिप है जिहड़ी वो जलंधर दे विच अपनी सरगर्मी वधाऊगी, या भाजपा की वड्डी लीडरशिप है
वह जलंधर तो गुरेज़ करेगी आने दिनों के हालांकि खबर ये ने कि जोड़े इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने जोड़े कि चरणजीत सिंह अटवाल उन्होंने पुत्र ने उन्हों का चोन अभियान है जोड़ा वह भी चंगा चल रहा बहुत पिंड भी उन्होंने काफ़ी संभावनावान नज़र आ रही ने पिंड उन्होंने काफ़ी समर्थन मिल रहा चोन जलसे रैलिया के वड्डी गिणती लोग आ रहे हैं वो लोग जोड़े पहला अकाली दल तो कितना कितने खफा सी वह भी इंदर इकबाल सिंह अटवाल उन्हों रैलिया चोन रैलिया नज़र आ रहे थे पर कि प्रकाश सिंह बादल की विदाई तो बाद कोई फर्क पेगा वह भी आने दिनों देखना पेगा पर इंदर इकबाल सिंह अटवाल की चोन मुहिम भख रही है और बीजेपी इस रणनीति पर भी काम कर रही है कि योगी आदित्यनाथ को पंजाब लिया जाए वो पिछे दो वड्डे कारण ने एक तो क्योंकि पंजाब दे विच जलंधर भी उद्योगिक शहर है लगातार लुधियाना और जलंधर वर्गे जिहड़े उद्योगिक शहर ने इन्ह के जिहड़े वड्डे वड्डे उद्योगपति ने किते ना किते यूपी सरकार नाल संपर्क च ने पिछे जे वो आदित्यनाथ योगी दे नाल यूपी च मीटिंगा भी करके आए यूपी दे विच डिवेलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है यूपी दे विच 3.75 लाख करोड़ की इनवैसटमेंट की गल हो रही है हर साल जबकि पंजाब च असी 40-50 हज़ार करोड़ की इनवैसटमेंट के वादियां ते खड़े हाँ या ऐलाना ते खड़े हाँ सो प्रोग्रेसिव पंजाब पंजाब च भी होया पिछे जे पर की इनवैसटमेंट जमीन ते सानू हुंदी नज़र आ रही है यूपी पंजाब दे मुकाबले बहुत अगे वाधा सानू नज़र आ रहा है और जिहड़ी यूपी की आर्थिकता वो भी पंजाब नालों तकड़ी हुई है पिछले 4-5 सालों च जदों तो योगी आदित्यनाथ आए ने सो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जदों गुजरात के मुख्यमंत्री सी जिस तरह की ब्रांड वैल्यू उन्होंने समाजिक जिहड़ी धारणा गुजरात बारे बनाई उस तरह की समाजिक धारणा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश बारे बनाने कामयाब होए ने सो हुण उत्तर प्रदेश काफ़ी डिवेलप हुंदा सूबा नज़र आउंदा ला एंड ऑर्डर पक्षों चंगा सूबा नज़र आउंदा जबकि पंजाब ला एंड ऑर्डर पिछले काफ़ी समय तो क्वेश्चन च है विरोधी पार्टियां लगातार मुद्दा ला एंड ऑर्डर नूं बना रही ने अमृतपाल वर्गे मामले असी पंजाब दे विच देखे ने कि उन्होंने होर चंगे तरीके नाल हैंडल किया जा सकता सी उस तरीके नाल नहीं हैंडल किया गया भावें हुण गिरफ्तारी हो गई तो सरकार इनू अपनी कामयाबी दस रही है पर सिख भाईचारे का किते ना किते अक्स कौमी मीडिया के एक हिस्से ने इस ऑपरेशन के तहत अमृतपाल की गिरफ्तारी के ऑपरेशन के तहत विगाड़िया उहदे नाल भी पंजाब के लोगों के मन के काफ़ी ज़्यादा दापक्खी विचार ने सिचुएशन नू हैंडल करन दी दिशा दे विच सो योगी आदित्यनाथ नू भी भारतीय जनता पार्टी लैके आना चाहती है प्रचार च अगर योगी आदित्यनाथ 2-3 दिन का प्रचार भी करके जाते हैं जलंधर च भारतीय जनता पार्टी के लिए उहदे नाल जिहड़ा इह मुकाबला है होर फसमा हो जाना है हालांकि हुणे मुकाबला होर फसमा हो गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दावा सी कि साढ़े च ही है मुकाबला पर मुकाबला 4-5 धिरां च है मैं सीधिया 4 धिरां लवां अकाली दल बसपा एक धिर है कांग्रेस दूजी धिर है आम आदमी पार्टी तीजी धिर है और बीजेपी चौथी धिर है ये 4 धिरां च मुकाबला है इन्हां च कोई भी धिर नंबर एक ते आ सकती है जिस तरह का सियासी माहौल उल्ट फेर वाला बन रहा है आए दिन जिहड़े चोन दृश्य ने चोन समीकरण ने जिहड़े बदल रहे हैं सो अगर योगी आदित्यनाथ नूं भारतीय जनता पार्टी लैके आउंदी है उहदे नाल जिहड़ा चोन प्रचार नूं हुंगारा होर वध सकता है हालांकि दूजे पासे ये देखने वाली गल है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जलंधर दे विच आउणगे कि वह दोवें 4-5 दिन इत्थे चोन प्रचार करके जाणगे या नहीं सवाल इस करके भी खड़ा हुंदा है कि चौधरी संतोख सिंह जदों दुनिया तो गए तो वह राहुल गांधी के नाल भारत जोड़ो यात्रा दे विच पैदल चल रहे सी हुण एक व्यक्ति जिहड़ा दुनिया तो चलिया गया राहुल गांधी के नाल तुरदा तुरदा भारत जोड़ो यात्रा च कि राहुल गांधी उस सीट ते उहदी धर्मपत्नी दे हक च अपनी ही पार्टी दे उम्मीदवार दे हक च प्रचार करने लिए आएंगे हुण प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के उत्ते भी नज़र सारे दियां टिकिया कांग्रसी लीडर उन्होंने बुलाना चाहते हैं वो 3-4 दिन लिए प्रचार कर आएंगे या एक अद्धी रैली करके चले जाएंगे ये उपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है सो बहुत वड्डे दृश्य ने जोड़े सियासत के बन रहे हैं कि होर वड्डे आगू आएंगे इन चोणों च या दूर रहेंगे सो बहुत तत्थ ने जिन्हों के उत्ते गल हो सकती है हरजोत जी और ये अखीर के मैं ये गल जरूर कहनी चाहूँगा हरजोत जी कि गुरमीत राम रहीम नूं एक बारी फिर पेरोल मिल सकती है इस साल जनवरी दे विच ओह पेरोल ते आए सी और सानूं पता है 30 दिनों तो ज़्यादा 30-40 दिनों के करीब उन्होंने पेरोल मिली सी 3 वड्डे मामले उन्होंने एक तो साधवी जिनसी शोषण का मामला है और इस तो अलावा छत्रपति मर्डर का केस है और रणजीत सिंह के मर्डर का केस है कई वड्डे वड्डे मामले ने जिहड़े उन्होंने पिछले समयां दे विच उन्हों का विवाद उन्होंने जुड़िया रहा है
उम्र कैद की सज़ा वो भुगत रहे हैं। 2017 के विच उन्हां नूं सज़ा सुनाई गई सी जदों तो जेल च गए। पिछले साल भी वो कई बारी पैरोल दे उत्ते आए, पंजाब विधानसभा दीआं चोणां तों पहलां भी पैरोल दे उत्ते आए। इस साल जनवरी दे विच जदों पंजाब विधानसभा दीआं चोणां नूं एक साल टप गया सी फिर वो पैरोल दे उत्ते आए। और हुण क्योंकि डेरे दा सालाना समागम दा समय, सो एक बारी फिर उन्हां नूं पैरोल मिल सकती है। हालांकि हजे इहदा ऐलान है जिहड़ा अधिकारिक तौर दे उत्ते तां नहीं होया। सो ये सारियां वो वड्डियां सुरखियां सी अज दीआं जिहड़ियां मैं साझियां कीतियां ने हरजोत जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद डल्ला जी तुहाडा कि तुसीं इन्हां सारियां ही खबरां दे उपर पूरी जानकारी जो है दर्शकां नाल सांझी कीती है। दर्शकां दा वी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रोग्राम दे नाल हमेशा ही जुड़दे हो तुसीं। ते फिलहाल मैनूं यानी कि हरजोत कौर नूं वी दिओ जी इजाजत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।